नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ से आनंद विहार के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन पे। क्या ये डबल डेकर ट्रेन कभी सीतापुर के रास्ते चल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कई सब्सक्राइबर्स और जो रेल फैंस हैं मुझसे बराबर निरंतर पूछ रहे हैं कि सर, बहुत पहले समाचार पत्र में आया था कि डबल डेकर जाने जो चलती है लखनऊ जंक्शन से आनंद विहार की तरफ, उसे बरस्ता से धौली सीतापुर चलाया जाएगा। एक आपको अगर याद आ रहा हो, विज्ञापन भी छपा था जिसमें महबुल्लापुर और सिधौली पर दो दो मिनट के स्टॉपेज भी दिखाए गए थे, और हिंदी के अखबारों में अक्सर इस प्रकार की खबरें बहुत छपती रहती हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल डेकर का झुंझुना दिखा करके फिलहाल जो ऐशबाग से सीतापुर के बीच अमान परिवर्तन के बाद रेलगाड़ियों के चलाने की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो मीटर गेज के ज़माने में रेलगाड़ियाँ जितनी थी उससे कम हो गई है संख्या। 3 रेलगाड़ियां बस शुरू हुई, 2 पैसेंजर 1 एक्सप्रेस, तो उससे फिर कुछ हुआ नहीं। बाद में मैलानी तक जो 1 पैसेंजर है वो एक्सटेंड हो गया, लेकिन जो यात्रियों को सुविधा मीटर गेज के टाइम पर थी, छोटी लाइन के ज़माने में रेलगाड़ियां 10 जोड़ी कम से कम रेलगाड़ियां चलती थी, वो नहीं है। ना ही जो टाइम है रेलगाड़ियों के चलने का, सुबह अगर डालीगंज जंक्शन से हम शुरुआत करें तो सिधौली के बीच पड़ने वाले किसी भी स्टेशन से सुबह की समय सीतापुर जाने के लिए कोई सवारी का विकल्प नहीं है, कोई रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो जनता को लग रहा है कि मेमू ट्रेन चल जाएंगी, उसकी भी अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई टाइम टेबल नहीं आया है। वो कब तक होगा उसका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत बार ट्वीट करके जानकारी लेने की कोशिश की हमने लेकिन कोई जवाब अभी फिलहाल नहीं आया है। तो रेलगाड़ियों का संचालन कब होगा सीतापुर की दिशा में? लखनऊ सीतापुर तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए, पूजा स्पेशल करके ही शुरू कर दें कुछ रेलगाड़ियां। ये भी हो रहा था कि कुछ रेलगाड़ियां दिल्ली के लिए इधर से निकाली जाएंगी लेकिन कुछ भी नहीं आया जनता के हाथ। तो जनता बहुत मायूस है और रेलवे वालों को अब कोशिश करनी चाहिए, इस ओर देखना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो लखनऊ से सीतापुर का रेलखंड है इस पर रेलगाड़ियों का आवागमन शुरू हो, यात्रियों को सुविधा मिले, और लखीमपुर से मैलानी होते हुए भी जो रेलगाड़ियां हैं बहुत कम हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेलगाड़ी का जो सवारी गाड़ी है हमें मिलनी चाहिए यात्रियों को, ताकि सुविधा हो। अभी बस से जाना पड़ रहा है और सफ़र बहुत कष्टकारी हो रहा है। तो उम्मीद है जो रेल अधिकारी ये वीडियो देख रहे होंगे और जनता की जो ये समस्या है इस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और इस रूट पर जो रेलगाड़ियों का संचालन है उसको भी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। डबल डेकर का अभी कुछ भी नहीं पता है, जब भविष्य में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको उसकी अपडेट ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।